गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। सो गाइस सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और सब लोग मेरी वीडियोस को शेयर करें और मुझे कमेंट से बताएं आप सब लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है। सो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं आप सबका फेवरेट ड्रामा कभी मैं कभी तुम में तुम का महानिया आमिर का ट्रेंडिंग मेकअप ट्यूटोरियल। सो आप सबको पता है कि सबसे पहले कि मैं स्टार्ट किस चीज़ से करती हूँ। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ वैसलीन लोशन से। और मुझे कमेंट्स में आप सब लोग बताएं कि आप सब लोग ये ड्रामा देख रहे हैं कि नहीं, और आप सब लोग को कैसा लगा है हानिया आमिर का मेकअप लुक। क्योंकि आज हम लोग वही सेम जो प्रोमो में वीडियो आती है ब्लैक ड्रेस की हानिया आमिर की, हम वैसे ही मेकअप लुक करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग कंसीलर अप्लाई मैं कर रही हूँ। क्रीमी फाउंडेशन है मेरे पास, ये पूरा पैलेट है। और सेकंड थिंग ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी लुक पे नहीं जाएंगे, ना ही बेस ना ही मेकअप, क्योंकि एज़ यू नो कि उनका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ड्यूवी लुक है। तो हम लोगों ने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हैवी लुक पे नहीं जाना है। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फेयर कॉम्प्लेक्शन का मिस रोज फाउंडेशन। बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे जैसे मुझे नीड हो रही है स्किन पे मैं उतनी ही क्वांटिटी ले रही हूँ। एकदम से मैंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हाई नहीं करी है क्योंकि वो फिर सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो गाइस ये देखें मैंने बहुत हल्की सी ही क्वांटिटी ली है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो ये मेरी स्किन में बिल्कुल ईजिली सेटल डाउन हो जाएगा। और अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और हम लोगों ने बहुत ही ग्लोई सॉफ्ट शाइनी ग्लॉसी लुक हमने करना है उनके मेकअप लुक के अकॉर्डिंग ही। और आप सब बताएं कि ये जो लुक आज मैं कर रही हूँ ये कमेंट्स में मुझे आप लोग सब बताएं कि आप लोग को कैसा लगा आज का मेरा लुक, और आप सब लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर कोई न्यू व्यूअर है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस मैं अप्लाई कर रही हूँ यार्डले नंबर 1 का फेस पाउडर। बेसिकली फेस पाउडर आपका जो बेस होता है फाउंडेशन होता है उसको फिक्स करता है, कैमोफ्लेज करता है, और ये आपका जो बेस होता है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने टैप 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 करके ही बेस अप्लाई करना है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल माइनर क्वांटिटी फेस पाउडर की अप्लाई हो तो वो आपका बेस कभी भी लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करेगा। सो गाइस अब हम अप्लाई करने वाले हैं, शुरू करेंगे आई मेकअप में स्टार्ट कर रही हूँ अपने कट क्रीज एंड आईब्रोज से, क्योंकि बहुत हैवी लुक पे हमने जाना ही नहीं है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट लिया है बिल्कुल स्किन ब्राउन शेड से, जो कि मैंने अप्लाई किया अपने आईब्रोज एंड कट क्रीज पे। ब्रो बोन मैंने छोड़ दी है, वहाँ पे ब्रो बोन शेड आएगा। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइस, देख सकते हैं आप लोग कि मैंने वही शेड अपने पूरी आईब्रोज पे, कट क्रीज पे, कॉर्नर्स पे, आउटर कॉर्नर पे, हर जगह पे वो शेड को ब्लेंडिंग ब्रश से इसको मैं अच्छे तरीके से स्मच कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है। तो एक थोड़ा सा टच आ गया है आईज पे। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने ब्रो बोन पे हाईलाइटर। पर देख सकते हैं आप लोग कि मैं हल्का हल्का सा मैंने अप्लाई किया है और मैंने इसको फ्रंट फिंगर से ही ब्लेंड कर लिया है कि ये एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी लुक ना आए। और गाइस अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फिंगर से ही हल्का सा, मैंने गोल्डन शेड लिया, पर ये बहुत ज़्यादा लाइट गोल्ड नहीं है, मीडियम गोल्डन शेड है। पैलेट में मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और मैं फिंगर से इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ही फील ना हो कि मैंने गोल्डन शेड जो है वो अप्लाई किया हुआ है। तो इसको भी मैं अभी थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ ब्राउन शेड की हेल्प से। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइस वाटरप्रूफ काजल। इसको भी गाइस आप लोगों ने अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में भी मैंने पिक्चर अपलोड कर दूँगी और स्टार्ट में भी मैंने जो पिक्चर लगाई है हानिया आमिर की, इसमें आप लोग देख सकते हैं काजल काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई हुआ हुआ है और काफ़ी इन्हेंस हो रहा है मेकअप में काजल। तो हम लोगों ने भी काजल इस तरीके से ही अप्लाई करना है कि आपके आईज़ काफ़ी इन्हेंस हो आफ्टर काजल हो गाइस। और मैं काफ़ी टाइम के बाद काजल अप्लाई कर रही हूँ, एक इट्स अ लॉन्ग टाइम के मैम, इतने अरसे बाद मैंने अप्लाई किया है
और एक काफ़ी डिफरेंट से फील हो रहा था काजल अप्लाई करने के बाद, क्योंकि एक टाइम था जब मैं अप्लाई किया करती थी बहुत ज़्यादा, बट एक टाइम आया कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा था काजल अप्लाई करते हुए, बट इट वॉज गुड। सो अब मैं गाइस अप्लाई कर रही हूँ, हल्का सा मैंने ब्लैक और पिंक शेड को मिक्स किया, थोड़ा सा मेरा जो काजल हल्का सा जो मेरे अंडर आई पर आ रहा था उसी को मैंने हल्का सा स्मच कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छा सा मेरी अंडर आई पे एक थोड़ा सा स्मजी ब्लैक पिंकिश सा शेड बना, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइस वाटरप्रूफ बोटैनिक्स का मस्कारा, क्योंकि लैशेस बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हुई भी हैं पिक्चर्स में और वीडियोस में, तो हम लोग डायरेक्ट मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं। बट ये भी हमने बहुत डीप अप्लाई नहीं करना है, जस्ट 1-2-3 कोट में ही हो जाएगा। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइस लाइनर, लाइनर की भी लाइन बिल्कुल थिन मैंने लगाई है, जस्ट अपने लैश लाइन पर आपने लाइनर लगाना है और उसी को ही इन्हेंस करना है, बहुत टू मच विंग वगैरह कुछ भी नहीं देंगे। भाई जब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश ऑन, ब्लश ऑन आपको पता है हानिया आमिर जो है काफ़ी पिंक पिंक से लगा दी क्योंकि उनकी कॉम्प्लेक्शन फेयर है, बट हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई। तो गाइस ब्लश ऑन भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टू मच अप्लाई नहीं करना, और जो ब्लश का शेड है वो भी हमने बेबी पिंक अप्लाई करना है मेकअप लुक के अकॉर्डिंग। और अब बात आती है हाइलाइटर की, हाइलाइटर गाइस मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर का ही, इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दूँगी। और पिक्चर में आप लोगों ने शायद नोट किया होगा कि हाइलाइटर थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया गया है ताकि फेस ग्लो हो, तो हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हाइलाइटर अप्लाई करने वाले हैं ताकि जो हमारा मेकअप है और फेस है वो थोड़ा सा शाइनी ग्लॉसी और काफ़ी ग्लो करे फेस पे। और काजल भी हम लोगों ने लगाया जिसलिए थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है ताकि हमारी आईज़ जो है वो थोड़ी सी इन्हेंस हो। और ये आप लोग देख सकते हैं कि जो हाइलाइटर है गाइस इससे तो मुझे प्यार हो गया, इतना इसका जो रिज़ल्ट है वो इतना फ्लॉलेस है, इतना ज़बरदस्त है। और हम लोग अपने सैलून में भी प्रोफेशनली यही हाइलाइटर यूज़ करते हैं, बट बहुत बहुत गाइस इसका रिज़ल्ट फ्लॉलेस है। तो गाइस अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी फेवरेट शेड लिपस्टिक और ग्लॉस, क्योंकि पिक्चर में हानिया अमर के लुक में ग्लॉसी लिप्स होए हुए हैं, बट वो बहुत सिंपल सा पिंकिश सा शेड है और ग्लॉस उसमें अप्लाई हुआ है। बट मैं अभी इसको थोड़ा सा लाइट करूँगी क्योंकि थोड़ी सी मेरी लिपस्टिक जो है वो डार्क हो रही है, तो मैं टिश्यू लेके थोड़ा सा इसको मिक्स करके मैं इसको थोड़ा सा लाइट करूँगी ताकि थोड़ी सी मेरी लिपस्टिक जो है वो और मज़ीद सॉफ्ट होके और प्यारी लगने लगे। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी और वापस एक ग्लॉस अप्लाई करके हल्का सा मैं मिक्सअप करूँगी अपनी लिपस्टिक को ताकि मेरी जो लिप ग्लॉस है वो और सॉफ्ट और शाइनी और ग्लॉसी हो जाए। सो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग कि कितना लिप्स मेरे सॉफ्ट और शाइनी ग्लॉसी से फील हो रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, शेड बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत शेड बना है ये। वैसे मैंने ये ग्लॉसी काफ़ी टाइम के बाद मैंने लिप्स की, मैंने ज़्यादातर मैं मैट लिपस्टिक्स ही लगाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा गाइस मेरे टिकटॉक पे इंस्टा पे और यूट्यूब पर आप लोग देखते रहते हैं। सो गाइस अब मैं सेट कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को, हल्का सा लाइट ब्राउन शेड मैंने लिया था बहुत ज़्यादा क्योंकि हानिया आमिर की आईब्रोज़ थोड़ी थिन हैं, तो वो पूरी पेंसिल से डार्क ब्राउन पेंसिल से जेल लाइनर से वो शेपिंग करती हैं, तो इस वजह से मैं मेरी जो ब्राई आईब्रोज़ है वो बहुत डार्क है, तो मैंने अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन या कोई और शेड ब्लैक वगैरह अप्लाई किया तो बहुत एक्सट्रीम डार्क होके बहुत ज़्यादा ऑड लगती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ऑड लगती हैं। तो गाइज़ मैंने सिर्फ एलकेजी ब्रशिंग कर ली। तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक। तो गाइज़ उम्मीद है मुझे कि आप सबको बहुत बहुत पसंद आया होगा मेरा ये लुक। खैर मुझे इंस्टा पे मैंने ये लुक पहले से ही अपने अपलोड कर दिया था, बट द ट्यूटोरियल इज़ ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ देख सकते हैं आप लोग मेरे दूसरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया था, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली को ये लुक कैसा लगा मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा आप सब लोगों को हानिया आमिर का मेकअप ट्यूटोरियल, कभी मैं कभी तुम का ये मेकअप लुक, और आप लोग और किस किस सेलिब्रिटी का मेकअप लुक्स देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे डीएम आप सब लोग कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे
टिकटॉक पे और यूट्यूब पे भी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।